मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के हो रहे एनकाउंटरों से बदमाशों में खौफ है। पुलिस की कार्रवाई के खौफ से घबराए 12,000 के इनामी बदमाश ने फिल्मी अंदाज में एसपी के समक्ष सरेंडर किया। आपको बता दें कि फैजान नाम का अपराधी अपने गले में तख्ती डालकर पहुंचा, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं कसम खाता हूं कि अब कभी अपराध नहीं करूंगा। एसपी सुधीर कुमार ने बताया कि फैजान नाम का अपराधी 2014 से फरार चल रहा था, जो कि संभल का निवासी है। उसने एसपी से कहा कि वह कसम खाता है कि वह अब अपराध कभी नहीं करेगा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। चौदह से एक अपराधी लगातार फरार चल रहा था, इसका नाम फैजान नाम का अपराधी है, जो संभल का रहने वाला है। इसके ऊपर 12,000 का इनाम जनपद पुलिस से किया गया था। आज ये हमारे कार्यालय में आया है और इसके द्वारा ये कहा गया है कि साहब मैं अब कभी अपराध नहीं करूंगा और मुझे जो मेरे ऊपर पुराने अपराध है उसी में मुझे जेल भेज दिया जाए। अभी आपके सामने इसे किया गया है और ये एक अच्छी बात है कि एक अपराधी कभी भविष्य में अपराध ना करने का संकल्प लेता तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी भी सराहना करता हूँ कि इसने ऐसा कार्य यहाँ पर आकर के है। इसे अभी गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा जाएगा। इन अपराधियों की क्या रणनीति थी अपराध को अंजाम देने के लिए, किस तरह से अंजाम देने का? देखिए, ये जो अपराधी हैं, ये जैसे कि कांट क्षेत्र का रहने वाला है, ये कांट क्षेत्र के से हमारे क्षेत्र में आए थे और इनके द्वारा मोटरसाइकिल लूट कर किसी और बड़ी घटना को, लूट की किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना था, उसी के तहत इनके द्वारा मोटरसाइकिल लूटी गई थी।